हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज हम सेल यूनिट के अंदर नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं एंड आज का सबसे पहला टॉपिक होगा अबाउट लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेम्ब्रेन इनके चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं, वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये बनते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉल्जी अपरेटस। ठीक है, जब पैकेजिंग की प्रोसेस चल रही होती है गॉल्जी अपरेटस के अंदर, तब लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। अगर आप लाइजोसोम्स की बात करते हो, द आइसोलेटेड लाइजोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। लाइजोसोम्स की बात करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइक लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, इनका क्या मतलब है? लाइपेजेस मतलब जो लिपिड का ब्रेक डाउन करेंगे, प्रोटीएजेस जो प्रोटीन के ब्रेक डाउन में हेल्प करेंगे एंड कार्बोहाइड्रेजेस जो कि कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन में हेल्प करेंगे। ऐसे एंजाइम्स लाइजोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड ये जो एंजाइम्स होते हैं दे आर ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच, मतलब ये 7 से लेस पीएच पे एक्टिव होते हैं, एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। दीज एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, तो ये बात हो गई हमारी अबाउट लाइजोसोम्स। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो वी हैव वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की अगर आप बात करते हो, सबसे पहले वैक्यूल्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर एंड ये कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? दीज ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। The vacuole is the membrane-bound space found in the cytoplasm. The vacuole is bounded by a single membrane called tonoplast. बहुत important line है कि vacuole के चारों तरफ एक layer पाई जाती है जिसे आप नाम देते हो tonoplast. In plant cell, the vacuole can occupy up to 90% of the volume of the cell. एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्लांट सेल के अंदर vacuole प्रेजेंट होता है, वो 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। In plants, the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and the other material against concentration gradient into the vacuole. Tonoplast की अगर आप function की बात करते हो तो tonoplast का simple function है, वो facilitate कराता है transfer of the ions. Ions के अलावा वो बहुत सारी और चीज़ों को भी transportation में help करता है against the concentration gradient. और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। हेंस दियर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। अब अगर आप बात करते हो अमीबा के केस में, इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। प्लांट्स के अंदर सिंपल वैक्यूल पाए जा रहे हैं, वहीं अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जा रहे हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन के अंदर। इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटिस्टेंट्स के अंदर फूड वैक्यूल पाया जाता है जो कि फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करने में हेल्प करता है। तो आपने वैक्यूल्स के अंदर भी 2-3 टाइप के वैक्यूल्स देख लिए, उनके डिफरेंट फंक्शंस देख लिए। नेक्स्ट अगर आप ऑर्गेनेल की तरफ मूव करते हो तो वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आप बात करते हो तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। इजिली आप इसे विजिबल नहीं कर सकते हो माइक्रोस्कोप के अंदर। एंड अगर आप इसकी शेप की बात करते हो तो शेप जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट इज सॉसेज शेप और सिलिंड्रिकल शेप। काफ़ी बार इसके शेप पे भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया का शेप सॉसेज शेप होता है या फिर सिलेंड्रिकल शेप होता है। वहीं आप अगर इसके साइज की बात करते हो तो डायमीटर इसका वेरी करता है 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक। ओके, एंड एवरेज आप बोल सकते हो 0.5 माइक्रोमीटर का इसका साइज होता है। वहीं लेंथ की अगर आप बात करते हो तो लेंथ वेरी करती है 1 माइक्रोमीटर से 4 माइक्रोमीटर के बीच में। ईट माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन distinctly into two aqueous compartment. Double membranous structure होता है mitochondria. इसके पास outer membrane होती है as well as inner membrane होती है and inner और इसका जो lumen part होता है वो दो compartments के अंदर break होता है।
ओके, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट. द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स. और जो इनर कंपार्टमेंट होता है उसके पास एक डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस होता है जिसे आप मैट्रिक्स कहते हो. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपका ग्रीन वाला पार्ट है दैट इज मैट्रिक्स. और ये किससे बना है, ये इनर कंपार्टमेंट आप बोल सकते हो. द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल. द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी. अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स बन रही हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर. ये जो आपको इस तरीके से शेप नजर आ रहा है, इन इनफोल्डिंग्स को आप बोल रहे हो क्रिस्टा. ओके, तो ये आपके हो गए क्रिस्टा. द क्रिस्टा इंक्रीजेस द सर्फेस एरिया. और क्रिस्टे का फंक्शन की अगर आप बात करते हो तो सर्फेस एरिया में इंक्रीज करने के हेल्प करती हैं. माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है, तो वो रेस्पिरेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड आपको पता है अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो यहाँ पे एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है. दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. द मैट्रिक्स ऑल्सो पजेसेस सिंगल सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल. यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, और अगर आप बात करते हो माइटोकॉन्ड्रिया के डिवीजन की, तो माइटोकॉन्ड्रिया फिजन की मदद से डिवाइड करता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स की बात करते हो, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनॉइड्स. प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सभी के सभी प्लांट सेल में पाए जाते हैं एज वेल एज यूग्लिनॉइड्स के अंदर पाए जाते हैं. ओके, दे बेयर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स. प्लास्टिड के पास कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं और पिगमेंट्स का फंक्शन आपको पता है, पिगमेंट्स प्लांट्स के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं. बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. अब आपको तीन तरीके के प्लास्टिड्स को फर्दर स्टडी करना है. नंबर वन क्लोरोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट एंड देन ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट की बात करते हो तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होती है एज वेल एज कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स होते हैं. अब आपको पता है क्लोरोफिल का काम क्या होता है. क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी, जिसकी मदद से आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है. वहीं अगर आप बात करते हो क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन जेंथोफिल्स आर प्रेजेंट. दे गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो ऑरेंज और रेड कलर. क्लोरोप्लास्ट की अगर आप बात करते हो तो ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है, जबकि क्रोमोप्लास्ट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे येलो ऑरेंज और रेड कलर आपको देखने को मिलेगा. देन अगर आप लास्ट में बात करते हो ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट आर दी कलरलेस प्लास्टिड्स ऑफ वेरिड शेप्स एंड साइज विथ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स. ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स. ओके, तो क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि बताइए किस टाइप के प्लास्टिड के पास कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता, तो दैट इज ल्यूकोप्लास्ट. और अगर आप इसके फंक्शन की बात करते हो तो ल्यूकोप्लास्ट सिंपली स्टोर्स द न्यूट्रिएंट. ओके, अमाइलोप्लास्ट. अब अगर ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर डिवाइड करते हो तो आपके पास दो तीन टाइप्स और आ जाते हैं, लाइक अमाइलोप्लास्ट, इलेनियोप्लास्ट. तो एक एक करके हम इन्हें भी देखते हैं. ल्यूकोप्लास्ट को जब आप फर्दर स्टडी करते हो तो सबसे पहला टाइप आपके पास आता है अमाइलोप्लास्ट. आपको पता होना चाहिए कि एमाइलोप्लास्ट जो होता है दैट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च, एग्जाम्पल पोटैटो. तो पोटैटो के केस में आपके पास कौन सा प्लास्टिड होता है, एमाइलोप्लास्ट, जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने में हेल्प कर रहा है. नेक्स्ट वी हैव इलायोप्लास्ट. इलायोप्लास्ट की अगर आप बात करते हो तो दे स्टोर्स ऑयल्स एंड फैट्स, वेयर एज एल्यूरोप्लास्ट जो होता है दैट स्टोर्स प्रोटीन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो ये तीन टाइप के आपने प्लास्टिड्स देख लिए. मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि बताइए ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं. तो ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट
मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है. दीज आर दी लेंस शेप ओवल स्फेरिकल डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल हैविंग वेरिएबल लेंथ एंड विड्थ. द नंबर वेरीज फ्रॉम 1% टू क्लेमाइडोमोनास अ ग्रीन एल्गी टू 20-40% इन द मेसोफिल सेल्स. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर. माइटोकॉन्ड्रिया आपका डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल. अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड थैलेकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा. वहीं आप अगर बात करते हो तो स्ट्रोमा क्या है, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का जो इनर वाला मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ एक जगह है जिसे आप स्ट्रोमा बोल रहे हो, एंड इस स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे फ्लैटेंड मेम्ब्रेन स्ट्रक सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आप थैलेकॉइड्स का नाम दे देते हो. ओके, ये देखो इस तरीके से, जैसे कि पाइल ऑफ कॉइन होता है, इस तरीके से एक के ऊपर एक अटैच होते हैं जिन्हें आप थैलेकॉइड्स बोल रहे हो. थैलेकॉइड्स आर अरेंज्ड इन दी स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रैना. तो सिंगल को आप बोल रहे हो ग्राना, और जब बहुत सारे ग्राना एक पाइल ऑफ कॉइल की तरह अटैच हो रहे हैं तो इन्हें आप नाम दे रहे हो थैलेकॉइड्स. ओके, एंड ये कहां प्रेजेंट है, ये आपके प्रेजेंट है स्ट्रोमा के अंदर. इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली कनेक्टिंग द थैलेकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्राना. अब देखो, अगर मानो आपके पास बहुत सारे थैलेकॉइड्स हैं, ये आपने एक पाइल ऑफ कॉइन बनाया एंड ये दूसरा पाइल ऑफ कॉइन है जिसे आप नाम दे रहे हो थैलेकॉइड्स. जब एक ग्राना दूसरे ग्राना से अटैच होगा दो थैलेकॉइड्स के बीच में तो उसे आप नाम दे देते हो, क्या नाम देते हो, स्ट्रोमा लैमेली. द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड्स एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन. The stroma of the chloroplast contain enzymes required for the synthesis of carbohydrates and proteins. ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. ओके, इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स. क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलेकॉइड्स. द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70S देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80S. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर 70S. क्लोरोप्लास्ट के पास 70S टाइप के राइबोसोम हैं जबकि साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स जो हैं दैट इज 80S टाइप. ओके, तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट ऑर्गेनल की अगर हम स्टडी करते हैं तो वी हैव राइबोसोम्स. राइबोसोम्स की अगर आप बात करते हो तो राइबोसोम्स आर द ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि राइबोसोम्स जो होते हैं ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, ग्राना के टाइप में प्रेजेंट होते हैं एंड फर्स्टली ये ऑब्जर्व किए गए थे जब आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी. एंड राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था by George Palladé in the 1953. Okay, these are composed of ribonucleic acid. Ribosomes किससे बने हुए होते हैं, RNA and protein, and are not surrounded by any membrane. Okay, बहुत important line है कि ribosome के पास कोई भी membrane present नहीं होती, जबकि mitochondria और chloroplast थे वो double membranous structures थे. The eukaryotic ribosomes are 80S while the prokaryotic ribosomes are of 70S type. Okay, eukaryotes की अगर आप बात करते हो तो वहाँ पे 80S type के ribosomes होते हैं जबकि prokaryotes के पास 70S type के ribosomes होते हैं. Each ribosome has two subunit, one larger and one smaller. हर ribosomes के पास दो subunits present होती हैं, एक बड़ी subunit और एक छोटी subunit. अब क्या बोल सकते हो, मान लो आपके पास ये एक राइबोसोम है और ये दूसरा राइबोसोम है, ठीक है, तो यहाँ पे एक सब यूनिट होगी ओके, तो ये आपके पास दूसरा राइबोसोम है.
हर राइबोसोम के पास हर राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलके बना हुआ होगा। मान लीजिए आपके पास सबसे पहले 70S टाइप का राइबोसोम है, ओके ये आपके पास 70S है और ये आपके पास 80S है, तो एक यूनिट तो बड़ी सब यूनिट होगी और एक छोटी सब यूनिट होगी, ओके। द टू सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम्स आर 60S एंड 40S। तो 80S राइबोसोम्स जो होता है वो दो सब यूनिट से मिलके बना हुआ है, वन है 60S, एक बड़ी सब यूनिट है और एक छोटी है 40S, वाइल दैट ऑफ 70S राइबोसोम्स आर 50S एंड 30S। वहीं अगर आप बात करते हो 70S की तो 50S एज वेल एज 30S। हेयर एस इज दी वेटबैग्स यूनिट स्टैंड्स फॉर दी सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट, ओके। एस क्या है? सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट है, इट इज अ डायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट किस चीज का मेजरमेंट है, तो वो डेंसिटी और साइज का मेजरमेंट है। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ टू यूनिट्स, आपने देख ही लिया यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो वी हैव साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की अगर आप बात करते हो, एन एलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या है? एक नेटवर्क है, फिलामेंटस प्रोटीन से भल के बना हुआ एक नेटवर्क है जिसके अंदर आप माइक्रोटिब्यूल्स को इंक्लूड करते हो, माइक्रोफिलामेंट्स को इंक्लूड करते हो एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को इंक्लूड करते हो। ये तीनों चीजें मिलके कलेक्टिवली, इन तीनों चीजों को आप नाम दे देते हो साइटोस्केलेटन। द साइटोस्केलेटन इन सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटालिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। वहीं अगर आप साइटोस्केलेटन के फंक्शन की बात करते हो तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देने में हेल्प करता है, मोटालिटी मूवमेंट में हेल्प करता है, एज वेल एज सेल की शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर गाइज, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, एंड आई रिक्वेस्ट आप लोग डेली के डेली साथ के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलो एंड डेली बेसिस पे उन्हें रिवाइज करते चलो, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।